अरे बड़े भाई, सुबह सुबह में शरीर को तकलीफ देना शुरू कर दिया। अरे हरी भाई, आओ आओ, सुबह सुबह क्या खबर है, बोलो बोलो। खबर कोई अच्छी नहीं है मेरे भाई, अभी कुछ है नहीं, कुछ खाने को मिलेगा मुझे। हाँ, इसीलिए मैंने बोला था कि पढ़ाई में अपना ध्यान ना देकर कुछ अगर काम वाम कर लेते तो ये सब नौबत नहीं आती। हाँ? और तुम ऐसे बिल्कुल चिंता के साथ नहीं घूमते। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। मैं अब भी कहता हूँ कि शरीर से ज्यादा बुद्धि काम लगती है। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। एक वक्त आएगा जब तुम बुद्धि का खेल देख पाओगे। हाँ ठीक है, ये तो देखा जाएगा। हाँ ठीक है, अब मैं कह रहा था कि अभी तुम मुझे कुछ खाने का सामान दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाँ ठीक है, अभी देता हूँ, चलो। सुनिए जी, ऐसे करके और कितना दिन चलेगा, और इस गांव में क्या रह गया है अब? तो क्या करूं मैं भाग्यवान, कहां जाऊं मैं? तो शहर में जाइए ना। शहर में? अब बहुत लंबा रास्ता है, कैसे जाऊंगा मैं? तो क्या हुआ, सुना है शहर में बहुत सारे बुद्धि से काम होता है। हाँ हाँ, ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन मैं, अच्छा ठीक है, मैं वीर से एक बार पूछ लेता हूँ, शायद वो भी मेरे साथ आ जाए। अरे हरी भाई, अभी क्या हो गया? हाँ कुछ नहीं हुआ है, दरअसल मैं कल शहर जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ आओगे? अरे हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कल शहर जा रहा हूँ, सुबह सुबह कुछ जरूरी काम के लिए है, तो एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं शहर। उफ, कितने जोर से भूख लगी है, उफ, लगता है अब तक खाना बना नहीं है। सुनो। हाँ बोलो। आज खाना वाना बनने वाला है कि नहीं? हाँ हो रहा है, थोड़ा बाकी है। अरे कब से बोले जा रही हो कि ये अभी बन जाएगा, एक घंटे से वेट कर रहा हूँ, चलो अभी मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। लगती है तो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, है ना? मुझे भी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना? ए, कुछ खाने के लिए दो, चलो दो जल्दी। अरे चलो दो जल्दी। अरे वाह भाई, अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया, अब कोई चिंता नहीं रही है, मैं अपनी बीवी को लेके शहर चला जाऊंगा। मेरा काम भी हो गया एकदम अच्छे से। हाँ लेकिन एक चिंता कब से मुझे खाए जा रही है। चिंता किसको लेकर? यहाँ पे देखो, शाम होने आ गई है, अंधेरा होने के बाद हमें रास्ता नहीं दिखेगा, हम घर कैसे जाएंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन बताओ अब क्या करना है? मुझे लगता है कि हमें एक रात यहीं पे गुजरनी होगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन खाने पीने का क्या करेंगे, होटल में जो खाना लिया था वो तो वहीं पे खत्म कर दिया हमने, रात कैसे बिताएंगे? ये भी एक चिंता का विषय है, चलो आगे जाके देखते हैं कि अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। अरे वो देखो गांव रहा, वहाँ पर जाके खाने का कुछ इंतजाम करते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो जल्दी। भूख लगती है तो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, है ना? मुझे भी तो थोड़ा समय मिलना चाहिए खाना बनाने के लिए, है ना? नहीं, इसके साथ तो मैं गांव में बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
यहाँ पर मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। नहीं वीर, हम दोनों का एक साथ जाना मुनासिब नहीं होगा। क्यों, डर गया क्या तू? हाँ, खाने के लिए लोग मारेंगे इसलिए डर गया क्या वहाँ जाने से? हाँ, ऐसा ही तुम कुछ कह सकते हो। कितनी बार तो तुम्हें बोला है कि शरीर का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम हो कि बुद्धि पर ही अटक गए हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी बुद्धि काम नहीं आएगी। हाँ। रुको रुको, अभी पता चलेगा कि मेरी बुद्धि में कितना दम है। देखो देखो देखो, अब मेरी ताकत कैसे काम आती है वो देखो तुम। मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यानी तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे खाना दो, भूख लगी है। कमाल है, न जान न पहचान खाना मांगने आ गया, पागल है क्या तू? मैं पागल हूँ। एक बार मैंने बोला है ना कि मुझे जल्दी से खाना दो, नहीं तो इस लाठी से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, समझ गए तुम? अरे बाप रे, मार डाला रे, ये कहाँ से आ गया पागल? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, हाँ? मेरे होते हुए यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है, मुझे ना बोलने की सजा पता है ना? मुझे जल्दी से खाना बचाओ, दो बचाओ, कोई है तो बचाओ। कौन हो तुम लोग, कौन हो? मुझे मारना अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे अरे छोड़ो, अरे क्या 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 कर रहे हो? अरे हरी हरी, अरे देखो देखो, अरे देखो कितना मारा मुझे, देखो। मैंने सब कुछ देख लिया, अब तुम देखो मेरी बुद्धि का कमाल। तो कौन है, उस पागल का दोस्त है क्या? हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ। दरअसल बात यह है कि हम बहुत दूर से आए हैं, इसलिए हमें बहुत भूख लगी थी, लेकिन हम यहाँ पे खाना मांगने नहीं आए। ये पत्थर लेकर, इस पत्थर से ही मैं अपना खाना बना लूंगा। अगर आप थोड़ी सी लकड़ियाँ और हांडी का बंदोबस्त कर दे तो अच्छी बात होगी। पत्थर से खाना, ऐसा तो कभी देखा नहीं हमने। वही तो, आज आप देख लेंगे। कृपया करके हांडी और लकड़ियों की व्यवस्था कर दीजिए और साथ में थोड़ा सा पानी और कड़ची। ए, अब बनाओ तुम्हारा पत्थर का खाना, हम भी जरा देखें। जो आज्ञा। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा आलू मिल जाता ना तो और मजा आ जाता। वो क्या है ना, आलू और पत्थर का जो मेल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। मिलेगा क्या आलू? आलू हाँ है ना, आलू लेके आती हूँ, अब भी लेके आती हूँ। अब एक बार देखूं मैं भी तुम्हारा पत्थर का खाना। वाह वाह, खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन अगर इसके साथ थोड़ा चावल मिल जाता तो और भी मजा आ जाता। लेके आओ ना। जाओ जाओ, जल्दी लेके आओ, पत्थर का खाना देखना है मुझे। वाह वाह, चमत्कार, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, पर अगर थोड़ी सी दाल मिल जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता। थोड़ी सी दाल, थोड़े प्याज, थोड़ी सी गोभी, थोड़े से मटर मिल जाते। अरे वाह, आग आग, थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। वाह, बस बन गया, बस थोड़ा सा नमक मिल जाता तो। बस थोड़ा सा नमक लेकर आती हूँ। ये लीजिए, पत्थर का खाना अब बन गया है। आह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। मैं हम दोनों के लिए खाना लेके जा रहा हूँ, वैसे हांडी में बहुत खाना बचा है, आप सब भी खा सकते हैं, ठीक है? वाह, क्या बात है, पत्थर से बना हुआ खाना इतना अच्छा होगा पता नहीं था।
देखा वीर, बुद्धि के बल से सबको बेवकूफ बनाकर हम दोनों के लिए खाना लेके आया। इतने दिनों से मेरी बुद्धि का बहुत मजाक उड़ाते थे, अब बोलो है? सच है भाई, मेरे से गलती हो गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि शरीर से ज्यादा बल बुद्धि में होता है, मैं स्वीकार करता हूँ। आखिरकार तुमने ये बात स्वीकार कर ली है। खा लो, अब खाना खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चलो आ जाओ।